दुनिया में साल 2020 कभी न भूलने वाले साल के रूप में स्मृति में रहेगा। इस वर्ष पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में आई और लोगों के साथ साथ भगवान को भी मंदिरों में बंद रहना पड़ा। कोरोना संक्रमण के चरम के समय मंदिरों में भगवान की दिनचर्या भी बदल गई। भारत में लॉकडाउन लगते ही मंदिरों के पट बंद हो गए। हालांकि पुजारी समय तालिका के हिसाब से पूजा करते रहे, पर भगवान अपने भक्तों को दर्शन नहीं दे सके। लोग अपने प्रभु के दर्शन केवल ऑनलाइन ही कर पाए। दुनिया भर में जहां कोरोना वायरस ने अपने पैर पसार लिए, तो भारत देश में भी कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। कोरोना का असर मंदिरों में भी देखने को मिला। मध्य प्रदेश के सभी प्रमुख मंदिरों में कोरोना के चलते पूरी व्यवस्था बदलनी पड़ी। ये शायद सदियों में पहली बार हुआ था कि बाबा महाकाल मंदिर उज्जैन, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग सहित प्रदेश के सभी मंदिरों के पट इतने लंबे समय तक बंद कर दिए गए। उज्जैन महाकाल मंदिर में कोरोना वायरस के चलते जो परिवर्तन हुए, उनके चलते भस्म आरती के बाद श्रद्धालुओं को भगवान से दूर से दर्शन ही करने दिए गए। साथ ही मंदिर के प्रांगण में किसी को बैठने की भी अनुमति नहीं थी। प्रदेश में स्थित दूसरे ज्योतिर्लिंग यानी कि ओमकारेश्वर में भी कोरोना के चलते पूरी व्यवस्था बदलनी पड़ी। लॉकडाउन खुलने के बाद भी भगवान ओमकारेश्वर के दर्शन के लिए भक्तों को 10 फीट दूर से ही इजाजत मिली थी। इसके साथ ही सभी मंदिरों में जल, फूल, बिल्व पत्र, प्रसाद और नारियल चढ़ाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। यहाँ तक कि भक्त अपने भगवान के लिए घंटी तक नहीं बजा सके।